Hello everyone, I am from EME Technologies. Welcome to this channel. Please subscribe our channel and press the bell icon for latest updates. Hello students, welcome to EME Technologies. Myself Prabodh, and today we will discuss on RF based appliance control using PIC microcontroller. Okay, so start करते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि हम controller को use करेंगे PIC 16F877A. Basically a PIC जो हमारी microcontrollers हैं उसमें different families होती हैं, but डिपेंड होता है कि किस क्या उसकी एडवांटेजेस हैं, तो उसके बेसिस पे हमने 16F877A माइक्रोकंट्रोलर यूज़ किया है, क्योंकि ये 14 पिन का होता है और इसमें ADC होता है जो वो 10 बिट का होता है, तो ये काफ़ी हमारे लिए बेनिफिट है. ठीक है, तो और अगर हमें PIC माइक्रोकंट्रोलर में जो कोडिंग करेंगे, कोडिंग के लिए हम सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ किया है, MPLAB. ओके, बेसिकली MPLAB सॉफ्टवेयर हमने कोडिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया है. ठीक है, और जो कंपाइलर यूज़ किया है हमने बेसिकली, ठीक है, उसमें हाई टेक कंपाइलर यूज़ किया है, क्योंकि जो कोडिंग हमने की है सी लैंग्वेज में, उसको कंपाइलर यूज़ करते हैं ताकि उसको हेक्साडेसिमल फाइल में कन्वर्ट कर दे, और कन्वर्ट करने के बाद फिर हम उसको प्रोटियस जो सॉफ्टवेयर है हमारा, जो कि हार्डवेयर सिमुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, उस पर हम प्रैक्टिकली रन करके चेक कर सकते हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली कोडिंग मैंने पहले से की हुई है, बट मैं आपको फिर भी समझा देता हूँ. ओके, देखिए फर्स्ट लाइन हमने क्या लिखी हुई है, हैश इंक्लूड stc.h. stc क्या है, हाई टेक कंपाइलर, उसकी हेडर फाइल है ये, इसलिए हमने यूज़ की हुई है. और जो सेकंड लाइन लिखी हुई है अंडरस्कोर समथिंग कॉन्फ़िगरेशन लाइन, एक्चुअली ये लाइन वो है जिस टाइम पे हम कोडिंग को कंट्रोलर के अंदर बर्न करते हैं, तो वो डायरेक्टली कोड को बर्न नहीं कर पाता, बिकॉज उसे कन्फ्यूजन लाइन की जरूरत होती है. तो ये कन्फ्यूजन लाइन है जो कि हमारे कोड कंट्रोलर एक्सेप्ट करे और हार्डवेयर पे अपना जो टास्क मिला है उसको परफॉर्म करे. ठीक है, सेकंड लाइन हमने क्या लिखा है, नेक्स्ट हैश डिफाइन अंडरस्कोर XTAL अंडरस्कोर FREQ. ये फ्रिक्वेंसी जो हमने क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज़ किया है 20 MHz, जो वैल्यूज यहाँ पर मैंने लिखी भी है, उसकी वैल्यूज को यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है. उसके वर्ड में से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रखा है. अब देखिए यहाँ पर मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा है, TRISP हम किस लिए यूज़ करते हैं, किसी भी पोर्ट को डिफाइन करने के लिए, कि हमने उसको कैसे यूज़ किया है, एज ए इनपुट यूज़ करना है, एज ए आउटपुट यूज़ करना है. ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें हार्डवेयर की, तो ये हमारा प्रोटियस सॉफ्टवेयर है जिस पर हम अपने सर्किट को चेक कर सकते हैं प्रैक्टिकली. ठीक है, विदाउट डिज़ाइनिंग. देखिए ये हमारा PIC माइक्रोकंट्रोलर है, और हमने क्या किया हुआ है यहाँ पर RB4, RB5, RB6, RB7, ये 4 पिन्स यूज़ की हुई हैं. ठीक है, इस पर बटन्स लगाए हुए हैं. एक्चुअली होता क्या है, अगर हमें पता है कि जो RF मॉड्यूल है, जो हमारा RF मॉड्यूल है, उसमें 2 पार्ट्स होते हैं हमारे. ठीक है, ये हमारा ट्रांसमीटर पार्ट होता है और ये रिसीवर पार्ट होता है. तो इसमें देखो यहाँ पर 4 पिन आउटपुट निकल रखी हैं. ठीक है, और ये हमारे पास 4, यहाँ से जो ये हमारा ट्रांसमिट पार्ट है, यहाँ पर हमें स्विच कनेक्ट किए हुए हैं. एक्चुअल में ये 2 पार्ट्स होते हैं, ट्रांसमिटर पार्ट और रिसीवर पार्ट. जब ट्रांसमिटर पार्ट में हमने स्विच लगाने होते हैं यहाँ पर, जैसे हम कुछ बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ से वायरलेसली कोड सेंड होता है जो 4 बिट का. ठीक है, 4 बिट कोड सेंड होता है और जो कि इस रिसीवर पर रिसीव होता है, और रिसीव होने के बाद ये जो फोर पिन्स हैं 10, 11, 12 और 13, यहाँ पर हमें आउटपुट शो होती है. और ये हमने क्या किया हुआ है कंट्रोलर्स में, यहाँ पर आप देख सकते हो ये फोर पिन्स हैं कंट्रोलर पर दी हुई हैं, जो कि एज ए इनपुट हमने यूज़ की हुई है यहाँ पर. ठीक है, एज ए इनपुट TRISB, मैंने बी पोर्ट को टोटली, वैसे मैंने 4 पिन यूज़ करने थी, बट यहाँ पर मैंने FF कोड लिख दिया है ताकि मैंने
टोटली जो पोर्ट बी है उसको एज ए आउटपुट यूज कर लिया, उसके बाद पोर्ट डी इज इक्वल टू 0.00 हम यूज करते हैं एज ए आउटपुट के लिए, मतलब हमने वहां से वैल्यूज को आउटपुट देनी है। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पर जो अप्लायंस कंट्रोल करना है वो फोर आउटपुट के लिए यूज़ किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमने कंडीशंस लगाई हुई है यहाँ पर, इफ एल्स लूप लगाई हुई है। इफ कंडीशन में क्या क्या दिया हुआ है, इफ पोर्ट बी, जो पोर्ट बी है हमारी उस पर इज इक्वल टू 0.0, ये हमने कोड बनाया हुआ है बेसिकली, जो वहाँ से रीड करेंगे हम हेक्साडेसिमल के अकॉर्डिंग, बीसीडी कोड के अकॉर्डिंग। तो अगर मेरे पास ये वैल्यूज आती हैं तो क्या हो, पोर्ट डी पे ये वैल्यू सेंड हो, और ये वैल्यू सेंड होने पे होगा क्या, ये वाली एलईडी ऑन हो जाएगी। इसको मैं क्या करता हूँ, पहले देखो ये बिल्ट होता है, इसको प्रोग्राम को चेक करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ बिल्ट सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद हमने क्या करना है, कंट्रोल के ऊपर डबल क्लिक करना है, यहाँ से कोडिंग जहाँ हमारी कोडिंग पड़ी है वहाँ से हेक्स फाइल को हमने फैच करना है। जैसे मैं प्ले करता हूँ देखो अभी कुछ नहीं वर्क है, जैसे यहाँ पर डिफरेंट बटन्स लग रखे हैं, जो बटन्स एक्चुअल में क्या है, देखो आरएफ वायरलेस ही मॉड्यूल है जो इस प्रोटेस्ट पे हम नहीं बना सकते हैं, तो मैंने ये किया है जो आउटपुट आरएफ की रिसीवर पार्ट से निकलेगी वो यहाँ पर बना दिया है। तो जैसे मैं बटन फर्स्ट प्रेस करता हूँ, ठीक है मैंने बटन प्रेस किया, यहाँ पर फैन रोटेट करना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो अब सेकंड, जैसे मैं सेकंड बटन प्रेस करता हूँ तो क्या हुआ, यहाँ पर ये बल्ब ऑन हो गया है, और जैसे ये ऑफ करता हूँ तो ये क्या हो गया, बल्ब ऑफ हो जाता है। ठीक है, मींस क्या, यहाँ पर जो 4 बिट का कोड है वो यहाँ पर सेंड होता है, कोडिंग में हमने यही चीज डिफाइन की हुई है, जो हमने यहाँ पर कोड लिखा हुआ है 0.E0 0.D0, ये उसी जो 4 बिट का कोड है उसको डिफाइन कर रही है यहाँ पर, और 4 डिफाइन करने के बाद वो पोर्ट डी पर अपने अपने टास्क परफॉर्म कर रही है। जैसे कि यहाँ पर अब थर्ड बटन से क्या होगा, यहाँ पर यह मोटर ऑन हो गई है। ठीक है, तो हम इसी तरह पर डिफरेंट अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली हमने कनेक्शंस किए हुए हैं यहाँ पर से, ये हमारा पिक फ्रॉम लाइब्रेरी है, यहाँ पर डिफरेंट जो हमने एलईडी यूज़ किया है, फैन यूज़ किया है, मोटर यूज़ किया है, बल्ब यूज़ किया है, यहाँ से सर्च करके इजीली ऐड कर सकते हैं। ओके, सिंपल प्रोजेक्ट है, आप भी डिज़ाइन कर सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।